कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को लगभग 4 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। जहां एक तरफ किसान बार बार ये दावा करते हैं कि आंदोलन में किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके आंदोलन की आड़ में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, जिसका एक उदाहरण पंजाब में देखने को मिला, जहां आंदोलनकारी किसानों के एक समूह द्वारा कथित रूप से भाजपा के एक विधायक की पिटाई की गई। आपको बता दें कि शनिवार को जब अबोहर के विधायक अरुण नारंग स्थानीय नेताओं के साथ सम्मेलन को संबोधित करने के लिए मलोट पहुंचे, तो प्रदर्शनकारी किसानों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और उन पर और उनके वाहनों पर काली स्याही फेंकी गई। पुलिस ने बताया कि कुछ पुलिसकर्मी विधायक और स्थानीय नेताओं को एक दुकान में ले गए, लेकिन बाद में जब वे इससे बाहर आए तो प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर उनकी पिटाई की और नारंग के कपड़े फाड़ दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।